दोस्तों, हम सभी के साथ कई बार कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जो हमें किस्मत से मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकाल देती है। शायद इसीलिए तो कहते हैं कि किस्मत से बलवान कोई नहीं होता, और किस्मत साथ दे तो मौत भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। दुनिया भर से ऐसे ही कुछ चुनिंदा भाग्यवान लोगों के साथ हुई भाग्यशाली घटनाएं दिखाकर आपको अचंभे में डालने के लिए हिंदी वाइब्स हम समय समय पर लकी मोमेंट्स कॉटन कैमरा लाते रहते हैं, और इसी कड़ी में आज हम लेकर आए हैं लकी मोमेंट सीरीज का पार्ट। दोस्तों, जानवर कब क्या कर दे ये उन्हें भी पता नहीं होता। अब इस फुटेज को देख लीजिए जिसमें कुछ लोग एलिफेंट पार्क में जंगल सफारी करने गए थे, लेकिन तभी जंगल में टहल रहे हाथी राजा को टूरिस्ट की शक्ल पसंद नहीं आती और वो नाव देखता है नाव सफारी जीप की ओर दौड़ लगाना शुरू कर देता है। ये तो अच्छा है कि सही समय पर ड्राइवर ने जीप को रिवर्स में चलाना शुरू कर दिया और खुशकिस्मती से हाथी भी तेज नहीं भागा, वरना आज ये इन लोगों की ऐसी वाट लगाता कि सोचकर तो हमें चक्कर ही आ रहे हैं। अब इस एयरपोर्ट को भी देख लीजिए जहाँ पर रनवे पर लैंड करने के लिए प्लेन को इस बड़े पहाड़ के ऊपर से गुजरना पड़ता है, लेकिन खुद को डेयर डेविल समझने वाले कुछ लोग यहाँ प्लेन की लैंडिंग देखने के लिए आते हैं। जैसे कि यहाँ कुछ लोग प्लेन का फोटो ले रहे थे तो कुछ लोग पहाड़ी के बॉर्डर पर बैठे हुए थे, तभी एक बड़ी सी फ्लाइट आती है और वह लोगों के सिर से ऊपर से सिर्फ कुछ इंच की दूरी से गुजरते हुए आगे बढ़ जाती है। जी हाँ, ये तो अच्छा हुआ इन्होंने अपना सिर नीचे झुका लिया, वरना अनर्थ हो जाता। भैया जी, ऐसी जगह मेरे घर के पास होती तो मैं कभी वहाँ नहीं जाता। वेल, आप ऐसी जगह प्लेन देखने जाते कि नहीं, कमेंट करके बताइए। कहते हैं जब किस्मत अपने आप पर आती है तो आपको मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों से निकाल सकती है। जैसे कि यहाँ पर ये बाबू अपनी सोना से चैट करते हुए सड़क के किनारे चल रहा था और भैया जी चैट में इतने खो गए थे कि इन्हें आसपास में हो रही घटनाओं का कोई अंदाजा ही नहीं लगा। तभी कई किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सड़क से एक टायर उछलता हुआ इनके पास आता है और कुछ फीट की दूरी से आगे निकल जाता है, जिसे देख जनाब की हवा टाइट हो जाती है और ये दबे पांव वहां से भाग निकलता है। इसलिए कहते हैं सड़क पर चलते या ड्राइव करते समय कभी भी सेल फोन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब इस रोंगटे खड़े कर देने वाले फुटेज को देख लीजिए जिसमें एक ज़ेब्रा पानी पीकर नदी से बाहर निकल रहा होता है, तभी उसके साथ कुछ ऐसा होते होते रह जाता है जिसे देख आप दांतों तले अपनी उंगलियां दबा लोगे। जी हाँ, ये जैसे ही पानी से बाहर निकलता है पीछे से एक बड़ा सा मगरमच्छ इसे खाने की कोशिश में अपना बड़ा सा मुंह खोलते हुए आता है और इसके पैर को अपने जबड़े में दबोचने की कोशिश करता है, लेकिन तभी ज़ेब्रा की किस्मत जाग उठती है और एक कुछ पल पहले अपने पैर को आगे बढ़ा देता है। यहाँ किस्मत ने अपना काम कर दिखाया, वरना आज तो इसे दुनिया को टाटा बाय बाय कहना ही पड़ जाता। दोस्तों, पैसों से पैसे कमाने के लिए सही इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है, और ज्यादातर लोग इन्वेस्टमेंट के बारे में दूसरों से पूछते हैं और अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसे शेयर मार्केट में लगाकर गंवा देते हैं। तब उन्हें समझ में आता है कि शेयर मार्केट में सही इन्वेस्टमेंट करने के लिए फाइनेंशियल एक्सपर्ट की जरूरत होती है, जो कि मार्केट में अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करने में आपकी मदद कर सके। इसलिए भारत की वन ऑफ द बेस्ट ब्रोकर कंपनी मोतीलाल ओसवाल डीमैट अकाउंट ओपनिंग के साथ आपको एक फाइनेंशियल एडवाइजर भी अलॉट करती है, जो निवेश से जुड़े सवालों के जवाब देकर राइट इन्वेस्टमेंट करने में आपकी मदद करता है। इतना ही नहीं, यहाँ आप जीरो अकाउंट ओपनिंग फीस और जीरो मेंटेनेंस चार्जेस के साथ अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। बस आपको यहाँ पर अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड और अपनी बैंक डिटेल सबमिट करनी है और यहाँ ऑप्शन ट्रेडिंग के एक लॉट पर फ्लैट ₹20 चार्ज है। मोतीलाल ओसवाल अपने 50 लाख से ज्यादा कस्टमर्स को पिछले 30 सालों से बेस्ट सर्विस दे रहे हैं और यहाँ आप सिर्फ मोबाइल ऐप से ही नहीं बल्कि फोन कॉल से भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो फिर इंतजार किस बात का है, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए और अपना नाम, मोबाइल नंबर और शहर ऐड करके अभी मोतीलाल ओसवाल के साथ फ्री डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए। तो दोस्तों, अगर आप भी शेयर मार्केट में सही निवेश करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से मोतीलाल ओसवाल के साथ फ्री डीमैट अकाउंट ओपन करना ना भूलें। अब इस मजेदार फुटेज को भी देख लीजिए जिसमें जंगल की बीच वाले हाईवे पर ट्रैफिक जाम हो जाती है और तभी जंगल से कुछ भालू सड़क पर उतर आते हैं और खुशकिस्मती से भालू गुस्से में नहीं होते, बल्कि इनमें से एक भालू खड़ा होता ही है और गाड़ी की खिड़की से लोगों को हाई फाई देता है और बाकी भालू भी शांत होकर सड़क के किनारे खड़े रहते हैं और सड़क पर जमा भीड़ को निहारते रहते हैं। वाकई में ये दृश्य काफी प्यारा और मजेदार था। दोस्तों, किस्मत सिर्फ हमारी असल जिंदगी में जान ही नहीं बचाती, बल्कि कई बार वीडियो गेम्स में भी किस्मत अपना पत्ता फेंक कर पूरी बाजी बदल देती है। अब लोथार एस नाम के इस फोर्टनाइट गेम स्ट्रीमर को देख लो,
जिसका कैरेक्टर इस बिल्डिंग की खिड़की के पास खड़ा था, और जैसे ही वो अपने गेम कैरेक्टर को थोड़ा सा पीछे मूव करता है, तभी नीचे से एक प्लेयर इस पर खिड़की से एक बड़ी मिसाइल छोड़ता है और लकीली ये बच जाता है। वाकई में अगर वीडियो गेम्स खेलने में हमारी किस्मत इतने कमाल की होती तो हम भी एक गेमिंग चैनल शुरू कर देते, क्यों सही गाना। दोस्तों, जब बहता हुआ पानी बर्फ में तब्दील हो जाता है तो उसे आइसिकल कहते हैं, और वीडियो में दिख रहा ये मुख उसी आइसिकल पर खड़े रहकर उसी पर औजार से वार कर रहा होता है, ठीक उसी तरह जैसे मूर्ख लोग पेड़ पर बैठकर अपनी डाली को काटने लगते हैं। और जनाब इस आइसिकल पर वार कर ही रहे थे कि तभी अचानक से आइसिकल टूट जाता है और जनाब इसके साथ नीचे गिरने लगते हैं। ये तो अच्छा था कि मूर्खता करने से पहले जनाब की किस्मत ने इन्हें रस्सी बांधने पर मजबूर कर दिया, वरना बर्फीली जमीन पर इतनी फीट ऊंचाई से गिरकर जनाब अपनी हड्डियों का पक्का चूरमा बनवा लेते। अब इस अमेजिंग फुटेज को देखिए जिसमें इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम फील्ड कर रहे थे, तभी एक बॉल को बल्लेबाज इतनी जोर से हिट करते हैं कि पक्का सिक्सर होने वाला था, लेकिन भैया जी बाउंड्री पर खड़ी थी क्रिकेटर हरलीन देओल, जिन्होंने किस्मत से या यूं कहे अपनी सूझबूझ से सिक्स को आउट में तब्दील कर दिया। जी हाँ, जैसे ही बॉल बाउंड्री पर पहुंचता है हरलीन इसे पकड़ लेती है और फिर हवा में उछाल देती है। इतने में वो बाउंड्री के बाहर जाकर अपना बैलेंस बनाते हुए फिर फील्ड में आ जाती है और हवा में उछालते हुए बॉल को कैच कर लेती है। वाकई में हरलीन के इस कैच के लिए वीडियो को लाइक करना तो बनता है बॉस, तो जल्दी से लाइक से मारिए। दोस्तों, जब किस्मत अपने आप पर आती है तो हमारी मदद के लिए फरिश्ते भेज देती है, और अगली क्लिप को देखकर आप अपनी आंखें मीचते रह जाएंगे। दरअसल ये मोहतरमा डिलीवरी बॉय से अपना सामान ले रही थी, तभी अचानक से इसकी नजर अपने घर के फर्स्ट फ्लोर पर पड़ती है, जहाँ पर खिड़की से मुंह बाहर निकाल कर खड़ा इसका डॉग उसी वक्त फिसल जाता है और हवा को चीरते हुए तेज रफ्तार से वो नीचे जमीन पर गिरने वाला ही होता है कि तभी उसकी मालकिन दौड़ते हुए वहाँ पहुँच जाती है और उसे कैच करके उसकी स्पीड इतनी धीमी कर देती है कि जमीन से टकराने के बावजूद उसे कुछ नहीं होता, और ये डिलीवरी बॉय मोहतरमा की इस हीरोइक मोमेंट को देखता रह जाता है। साथियों, हाईवे पर गाड़ी चलाते वक्त चारों ओर ध्यान देना पड़ता है, वरना एक छोटी सी गलती बड़े हादसे को अंजाम दे सकती है। इस होश उड़ा देने वाले क्लिप में आप देखेंगे सड़क पर चलते हुए अचानक से एक गाड़ी स्लिप होकर पूरी गोल घूम जाती है और पीछे से आ रही दूसरी गाड़ी एक्सट्रीम लेफ्ट टर्न लेते हुए कुछ इंच की दूरी से इस फिसलती हुई कार और ट्रक से टकराते हुए बचकर आगे निकल जाती है, और जिस गाड़ी के डैश कैमरा में भयानक दृश्य रिकॉर्ड हो रहा था वो भी धीरे धीरे ब्रेक प्रेस कर रहे थे और एंड टाइम पर आकर उनकी गाड़ी रुकती है। हालांकि दोनों गाड़ियों के बीच हल्की टक्कर होती है, लेकिन इन सभी में किसी को कुछ नहीं होता, इसलिए कहते हैं जब किस्मत अपने आप पर आती है तो मौत भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। अब इस मजेदार फुटेज को भी देख लीजिए जिसमें अंकल जी की वाइफ कहती है कि दीजिए आज मैं बोट चलाती हूँ। अंकल भी खुशी से बोट दे देते हैं, लेकिन जैसे आंटी जी बोट चलाना शुरू करते अंकल के ऐसे होश उड़ते हैं कि पूछो मत। जी हाँ, पहले तो आंटी जी सामने रखी बड़ी बोट को ठोकर मारने वाली होती है कि तभी अंकल जी अपने हाथों से ठोकर को रोक देते हैं। फिर आंटी जी दूसरी ओर टर्न लेती है और दूसरी बोट को भी ठोकर मारने के लिए आगे बढ़ती है। अब तो लग ही रहा था कि आज इनका लाखों का नुकसान पक्का होगा, लेकिन किस्मत से एक छड़ी और दो हाथ इस एक्सीडेंट को रोक देते हैं। बहुत बढ़िया। दोस्तों, किस्मत उस सुनहरी चिड़िया का नाम है जो हमें बड़े से बड़े नुकसान से बचा सकती है। अब इस लाखों में एक घटना को देखिए जिसमें एक जनाब अपने घर के बाहर गाड़ी पार कर रहे थे, लेकिन उन्हें गाड़ी के बोनट की स्पेस का ख्याल नहीं रहता और ये आगे वाली दीवार पर ठोकने ही वाले होते हैं कि तभी खुशकिस्मती से जनाब गाड़ी को ब्रेक लगा देते हैं और कार से उतरकर देखने पर पता चलता है कि आगे वाली दीवार और गाड़ी के बीच सिर्फ एक बाल का अंतर रह जाता है और नुकसान होते होते रह जाता है। वाकई में भैया जी ने पिछले जन्म में कुछ ज्यादा ही अच्छे कर्म किए होंगे। साथियों, आपने उन हैवी ड्राइवर्स को तो देखा होगा जो सड़क पर गाड़ी ऐसे हिलाते हैं मानो जैसे वो गाड़ी नहीं उनकी लचकती हुई कमर हो। ठीक वैसे ही स्कूटर लिए ही मूर्ख भी सड़क पर यहाँ से वहाँ होकर गाड़ी चला रहा होता है, फिर जैसे ही लेफ्ट साइड गाड़ी लेता है तभी सामने से तेज रफ्तार से एक बस आ रही होती है और पता नहीं कैसे बस और स्कूटर के बीच कुछ इंच का फासला रह जाता है और इसका स्कूटर बस के साथ टकराने से इतना सा बच जाता है, जिसके बाद ये पीछे से आ रहे एक दूसरे स्कूटर से भी टकराने से बचता है। अबे ओ मूर्ख, आज तो तेरी किस्मत ने तुझे बचा लिया, लेकिन हर बार नहीं बचाएगी, इसलिए आज सुधर जा वरना कल स्वर्ग से धार जाएगा। दोस्तों, अब इस होश उड़ा देने वाले सीसीटीवी फुटेज को देख लीजिए जिसमें मोहतरमा इस शॉप से सब्जी खरीदने आती है, तभी अचानक से इसका ध्यान ऊपर छत की ओर जाता है और वो सीधा बाहर की ओर दौड़ लगाती है, जिसके बाद होता है रोंगटे खड़े कर देने वाला हादसा। जी हाँ, शॉप की पूरी सीलिंग नीचे गिर जाती है। हालांकि यहाँ अच्छी बात ये होती है कि किसी को चोट नहीं लगती।
साथियों, नशेड़ी लोग कहीं भी सो जाते हैं और आपको जानकर हैरानी होगी, एक पियक्कड़ सफेद कार के नीचे सोया हुआ था और इस बात से अनजान कार ओनर अपनी गाड़ी को रिवर्स में बाहर निकाल ही रहे होते हैं कि तभी इस नशेड़ी की नींद खुलती है और टायर शरीर पर चढ़े उसके कुछ मिनी सेकंड पहले ये जनाब गाड़ी के नीचे से बाहर निकल जाते हैं। अब यार, कोई पार्क की हुई गाड़ी के नीचे आकर हिट एंड रन करवाएगा तो इसमें बेचारे ड्राइवर की क्या गलती। वेल, फिर भी गाड़ी निकालने से पहले एक बार हॉर्न बजाकर या उसके नीचे देख लिया कीजिए। हिंदी वाइब्स द्वारा जनहित में जारी। दोस्तों, यहाँ कुछ लोग बारिश के मौसम का वीडियो बना रहे थे तभी फुटेज में एक दिल दहला देने वाली घटना रिकॉर्ड हो जाती है। जी, आसमान से हजारों वोल्ट की बिजली इनके सामने वाले घर के पास गिरती है, लेकिन खुशकिस्मती से बिजली घर के ऊपर नहीं बल्कि कुछ फीट दूर गिरती है। वाकई में यह किस्मत खेल गई, वरना बिजली खेलती और घर पर गिरती तो अनर्थ हो जाता ना। आखिर में अब इस लकी मोमेंट को देख लीजिए जिसमें कुछ लोग बाइक रेसिंग देखने आए थे और ये मोटू राम बाइक के ट्रैक पर खड़े रहकर वीडियो बनाने में लगे थे और इन्हें इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि सामने से बाइक आ रही है। लेकिन लकीली इसके दोस्त का ध्यान इसकी बेवकूफी पर चला जाता है और इसे पकड़कर ट्रैक के बाहर ले जाता है, वरना इतनी तेजी से आ रही बाइक से टकराकर इसका क्या हाल होता इसका हम अंदाजा तक नहीं लगा सकते। तो दोस्तों, आप भी अपनी लकी मोमेंट कमेंट करके बताइए, साथ ही ये बताइए कि भविष्य में आप इस सीरीज के नेक्स्ट पार्ट को देखते रहना चाहते हैं या नहीं। और आखिर तक देख रहे हो तो वीडियो तो जरूर पसंद आया होगा।